नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो देखिए, एकोर इंटरनेशनल लिमिटेड की तरफ से जो है यहाँ पे आपकी वैकेंसी निकाली गई है। तो ये जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे निकाला गया हुआ है। तो आप लोग देखिए, ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो आपका ये आया हुआ है वैकेंसी। तो इसमें देखिए जो आपका आया हुआ था, ये वर्क इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और साइट सुपरवाइजर का आया हुआ है आपका, और ये जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। और आप लोग इसमें डिटेल पीडीएफ इसका देख सकते हैं, यहाँ पे इसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कम्प्लीट। तो देखिए, जब आप लोग इस पीडीएफ को ओपन कीजिएगा तो इसमें जो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा यहाँ पे। और इसमें देखिए जो आपका पहला इसमें है वर्क इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का है। तो इसमें देखिए जो क्वालिफिकेशन मांगा गया आपका इसमें, तो वो है आपका फुल टाइम ग्रेजुएट डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विथ नॉट लेस देन 60% मार्क्स आपका होना चाहिए। कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपकी होनी चाहिए। और मैक्सिमम एज की हम बात करते हैं तो देखिए 1/8/2021 आपको ये काउंट किया जाएगा। तो मैक्सिमम एज जो है आपका 30 ईयर्स का इसमें रखा गया हुआ है। और इसमें देखिए एक्सपीरियंस भी मांगा गया हुआ है। तो आपके पास जो है मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इलेक्ट्रिकल कंस्ट्रक्शन वर्क्स में आपका। और वैकेंसी की देखिए हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपका, तो इसमें देखिए छत्तीसगढ़ में आपका यहाँ पे 4 पोस्ट है जो कि यूआर के लिए है। राजस्थान में आपका यहाँ पे देखिए टोटल 6 पोस्ट है, यूआर के लिए 5 है, ओबीसी के लिए 1 है। और यूपी में आपका 2 पोस्ट है, यूआर के लिए ही एसी दोनों है आपका। आसाम में देखिए 6 पोस्ट है, वेस्ट बंगाल में 3 है, राजस्थान में आपका 4 है। ये देखिए आपका ये इसके लिए आपका है साइट सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल वालों के लिए है ये जो आपका राजस्थान में दिया हुआ है। बाकी इतना सारा जो आपका है ये, तो ये है आपको वर्क इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का। तो नीचे देखिए जो आपका साइट सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल का जो आपका दिया हुआ है इसमें, तो इसके लिए क्वालिफिकेशन मांगा गया आपसे डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विथ नॉट लेस देन 60% मार्क्स। तो मैक्सिमम एज लिमिट आपका इसमें 30 ईयर्स ही है और मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए इलेक्ट्रिकल कंस्ट्रक्शन वर्क्स में। तो इसमें देखिए स्टेट वाइज वैकेंसी आपका दिया हुआ है, राजस्थान में 4 है, यूपी में 2 है आपका, आसाम में 5 है और वेस्ट बंगाल में आपका 2 पोस्ट है। और एज रिलैक्सेशन जो है तो ये भी दिया जाएगा, जो भी कैंडिडेट ओबीसी या एसटीएससी से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए तो रहेगा ही आपका। और मेडिकल स्टैंडर्ड देखिए इसमें इन्होंने दिया हुआ है आपका कि कैंडिडेट जो है वो अच्छा हेल्थ का होना चाहिए और कलर ब्लाइंड सबका नहीं होना चाहिए। और इसके बाद देखिए कंडीशन में भी आपका दिया हुआ है कि यहाँ पे क्या कंडीशन रहेंगे। तो देखिए जो सिलेक्शन प्रोसेस है आपका, तो ये जो है वॉक इन इंटरव्यू के बेसिस पे है आपका, जो कि शेड्यूल दिया हुआ है इसके रिगार्डिंग। और इसके साथ साथ में नीचे देखिए और भी जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर आपका। तो यहाँ पे देखिए जो आपका दिया हुआ है कि जो ये इंटरव्यू के बेसिस पे आपका जो लिया जाएगा, तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि आपको जो इंटरव्यू में जाने से पहले यहाँ पे आपको, जैसे कि इन्होंने बताया हुआ है कि जो भी समझते कैंडिडेट वो एलिजिबल है, तो आपको जो है रिपोर्ट करना है इंटरव्यू के लिए जो शेड्यूल मेंशन किया रहेगा आपका। और यहाँ पे देखिए ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए और एक सेट में फोटोकॉपी भी आपका होना चाहिए इन सारे डॉक्यूमेंट का। तो यहाँ पे पहला आपका है कि जो आपका एप्लीकेशन टाइप है, तो A4 साइज पेपर में जो है आपका प्रॉपर फॉर्मेट आपका अटैच होना चाहिए इसमें। और इसके साथ में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपका होना चाहिए एक ऑर्डर में, और डेट ऑफ बर्थ भी आपका होना चाहिए, जैसे क्लास 10th का पासिंग सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए डेट ऑफ बर्थ ऑफ प्रूफ के रूप में आपका। और इसके साथ में कास्ट सर्टिफिकेट है आपका जो कि एज रिलैक्सेशन के लिए दिया जाता है, जो भी कैंडिडेट होंगे एसटीएससी या फिर जो ओबीसी से बिलोंग करते हैं। और क्वालिफिकेशन डिग्री ऑल सेमेस्टर या फिर ईयर का मार्कशीट के साथ आपका पूरा होना चाहिए, जिसमें कि परसेंटेज कैलकुलेशन आपके होना चाहिए लास्ट वाले क्वालिफाइंग डिग्री में। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग जो है ये सारा डॉक्यूमेंट को साथ में ले जाना है आपको जब भी इंटरव्यू आपके होंगे। और इसके साथ में देखिए इन्होंने दिया हुआ है कि जो भी कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म को मतलब अप्लाई करेंगे इसको, तो उनको जो है अपना कॉपी एप्लीकेशन का सेंड नहीं करना है एयरकन को एडवांस में। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको देख लेना है यहाँ पे। और ये जो है इंटरव्यू के बेसिस पे ही आपका ये होगा इसमें। और नीचे देखिए जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है जो शेड्यूल इंटरव्यू का, देखिए इन्होंने दे दिया है, तो यहाँ पे आप लोग ये इंपॉर्टेंट है देख लेना, इंटरव्यू के बेसिस पे है जो वर्क इंजीनियर इलेक्ट्रिकल वालों के लिए है। तो टाइम और डेट देखिए इन्होंने दिया हुआ है 25/8/2021 को आपका होगा, 9:30 बजे से लेके आपका ये 4 बजे तक ये रहेगा इंटरव्यू आपका, 25/8/2021 को देखिए इन्होंने डेट भी दिया हुआ है। और यहाँ पे जो पोस्ट है आपके जो भी स्टेट में निकाले गए हैं यहाँ पर आपका, जैसे छत्तीसगढ़ में है, तो इंटरव्यू आपको कहाँ देने जाना है, तो ये देखिए एड्रेस दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको जाने होंगे। जो भी स्टेट में आप अप्लाई करेंगे, जैसे राजस्थान का, तो यहाँ पे इन्होंने दे दिया है, उत्तर प्रदेश का, आसाम का, वेस्ट बंगाल का, तो सभी का इन्होंने एड्रेस दिया हुआ है। तो आपको यहीं पे रिपोर्ट करना है इंटरव्यू के लिए, क्योंकि ये जो है रिक्रूटमेंट आपका इंटरव्यू के बेसिस पे ही निकाला गया हुआ है। और वहीं पर देखिए जो आपका इसमें दूसरा जो पोस्ट आपका था इसमें साइट सुपरवाइजर का, तो इनका भी देखिए 27/8/2021 को ही इंटरव्यू शेड्यूल रखी गई है, 9:30 बजे से लेकर 4 बजे तक है।
और उत्तर प्रदेश, असम, वेस्ट बंगाल कहाँ पे है, तो यहाँ एड्रेस इन्होंने दिया हुआ है आपको, यही एड्रेस पे आपको जो है वॉक इन में जाना है इंटरव्यू के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको देख लेना एक बार। और यहाँ पे देखिए नीचे इन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि जो कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए मतलब कि जो एलिजिबल होंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, तो वो जो है अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी देख लीजिए आप यहाँ पे, ताकि बाद में आपको कोई दिक्कत ना हो। और आपको साथ में ओरिजिनल जितने भी सर्टिफिकेट हैं, आपके डॉक्यूमेंट है, प्रूफ ऑफ जैसे एज का, कम्युनिटी का, एजुकेशन क्वालिफिकेशन का और एक्सपीरियंस का, तो ये सारे चीज़ आपको अपने साथ ले जाना है वहाँ पे इंटरव्यू में। अगर आप नहीं ले जाते हैं तो आपको जो है फिर इंटरव्यू आपको वहाँ पे नहीं कराया जा सकता है, इंटरव्यू आपका नहीं होगा, बस यही इन्होंने मेंशन किया हुआ है यहाँ पर आपका। और कोई भी आपको डाउट या क्वेरी या क्वालिफिकेशन कोई भी चीज़ में आपको चाहिए, तो इसके लिए आप लोग मेल कर सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने अपना ईमेल आईडी भी दिया हुआ है, आप लोग यहाँ पे अपना कुछ भी चीज़ पूछ सकते हो। तो यही चीज़ इसमें कुछ देखिए दिया हुआ है। और देखिए जो आपका फॉर्मेट है मतलब जो फॉर्म आपको फिल करना है, तो इसमें देखिए इन्होंने ये दिया हुआ है, तो ये नोटिफिकेशन जो हम जो है टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, आप लोग वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। तो आपको जो है इसको फिल कर देना है यहाँ पे, और इसको अटैच करना है आपको, तो साथ में ये इम्पोर्टेंट है आपको इसी में फिल करनी है। तो यहाँ पे देखिए जितने भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन था आपका, और जो लोग भी इंटरेस्टेड जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच से बिलोंग करते हैं, एक्सपीरियंस है उनके पास, तो आप लोग इसको भर सकते हो।